कवि ने बड़ा भाव दिया है और चालान के माध्यम से कहा, सदा न रहना सबसे राखो मेल हिल मिल काटो जिंदगी बाबा चार दिना को के चार दिना को खेल धरो सब यही रह जागो राजा हो या रंग काल सब खाए भजनलाल जी नंबर जब आयो जब बेर बिक गए सब के अब तो कोई ना है भैया अपना समय पास करना है तो आइए टिकड़ी की शुरुआत साकी से होती है आइए फिर दोबारा से गौर कीजिएगा बरात तो तूने बहुत की है पगले वो तेरी अंतिम बरात होगी कौन सी बरात ओ जातिन तेरी सज की चलेगी बरात होंगे सब ठाट रे उघटनो और होएगो तेरी ते साथ साथ और 51 रुपए का
आशीर्वाद हमारे वकील साहब के छोटे भाई हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर लिखी है, हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलेगी बात है सजनों, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। भजनलाल जी अब देखो माखा जी गाने कोई समय रहे वो साहब कड़ी कड़ी में तो ले गए पहले। कोई बात नहीं, छोटी सी प्रस्तुति दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नन्हे से बच्चे रोहतास को जब नाग डस लेता है, विश्वामित्र जी ने नाग बनकर के रोहतास को डस लिया और काशी में आकर के आवाज लगा दी, कह रहे विश्वामित्र खड़े दरवाजे भाई और कुमर बाग के बीच लियो कारे ने भाई, जाग रहो मुखदार इतनी सुन तारा बतरानी खाई गई धरन पथा। तारा रानी ने जब काशी में आवाज सुनी है, आदरणीय विद्वानों, दौड़ी दौड़ी उस बगीचे में गई और जाकर के देखा पुत्र रोहतास बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। तो रानी आज रोने लगी और किस तरह से विलाप करती है, जल बिन जैसी अरबीन भई तीन बछड़ा बिन गैया और कोई बिना मणि के सर्प पे दिल
बेटा तू तो कह दो
सेवा करूंगा और सोइए 1100 रुपए नीचे वालों की ओर से आ रहा है और 51,150 हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार ताली बजाएं आप सभी लोग। भैया माँ रो रही है और माँ कैसे रो रही है और क्या क्या परम पिता को याद किया सुनाने जाऊंगा। माँ रो रही है और माँ ने कहा अजल्ला जी, ऐ मेरे हम नसीब, ऐ मेरे हम नसीब, तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। श्याम सिंह गाजीपुर, सौ रुपए घनश्याम जी गाजीपुर वाले, हाजी चौधरा वाला आना पड़े होगा। साथ में आज पशु पक्षी भी रोने लगे हैं माँ के उस क्रंदन को सुन करके। और भैया उड़ान के माध्यम से माँ कैसे रो रही है, पक्षी
नौटंकी से। और नौटंकी वाले क्या बोल रहे हैं भैया भजनलाल जी, समापन है। राम राम।